भाइयों और बहनों, आज जब असम को हिंसा, आतंक, घुसपैठ, अराजकता और अवैध कब्जों से मुक्ति मिल रही है, आज जब असम में विकास के सेतु बन रहे हैं, आज जब असम में विश्वास के सेतु मजबूत हो रहे हैं, आप जब असम में अध्यात्म और आस्था के सेतु हमें नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तब असम को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपको जगाने आया हूं, कांग्रेस का हाथ आज एक ऐसे लोगों के साथ है जिसका आधार है असम की पहचान को तबाह करना। क्या ये आप होने देंगे? पूरी ताकत से जवाब दीजिए, होने देंगे? ये होने देंगे? बर्बाद होने देंगे? आपकी संस्कृति परंपरा को नष्ट होने देंगे? यहां के जीवन प्रथा को नष्ट होने देंगे? भाइयों बहनों, जो दल घुसपैठ पर ही फला फूला हो, आज उसके वोट बैंक पर कांग्रेस असम की सत्ता हथियाना चाहती है। क्या ऐसे लोगों के हाथ में असम की सरकार की चाबी देनी चाहिए क्या? देनी चाहिए क्या? जो दल असम के मूल निवासियों के साथ भेदभाव का प्रतीक रहा हो, कांग्रेस आज उसके हाथ में असम को सौंपने की बात कर रही है। कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी साथ ले सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी को धोखा भी दे सकती है। यहां लखीमपुर में जिन वामपंथियों, जिन लेफ्ट के लोगों के साथ कांग्रेस मिल रही है, इन्हीं काम वालों को, इन्हीं लेफ्ट वालों को ये कांग्रेस वाले केरल में जाकर के गालियां दे रहे हैं। यहां दोस्ती कर रहे हैं, वहां कुश्ती कर रहे हैं। आपको याद रखना है, ये कांग्रेस का महाजोत नहीं, ये कांग्रेस का महाजूठ है। कांग्रेस का ऐसा महाजूठ जिसका न विचार है न संस्कार है। कांग्रेस का ऐसा महाजूठ जिसके पास ना नेता है ना नीति है। कांग्रेस का ऐसा महाजूठ जो सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ की, लूट की गारंटी देता है। ऐसा महाजूठ जो हमारे सत्रों, नामगरों, अभयारण्यों में अवैध कब्जे की गारंटी देता है। कांग्रेस का ऐसा महाजूठ जो अवैध शिकार की ओर करप्शन की गारंटी दे सकता है। ये कांग्रेस का एक ऐसा महाजूठ है जो अपनी सत्ता के लिए असम के गौरव को, असम की चाय तक को पूरी दुनिया में बदनाम कर सकता है।